नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष रंजन और आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल PCS टाइम में एक नई वीडियो के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि बिहार दरोगा 2020 की नई वैकेंसी की ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया 16 अगस्त 2020 से शुरू हो चुकी है। इससे बिहार में दरोगा बनने का सपना पूरा हो सकता है। यह परीक्षा बिहार में BPSSC के द्वारा सम्पन्न होती है। तो जो भी छात्र BPSSC के द्वारा संपन्न परीक्षा अर्थात बिहार दरोगा के बारे में जानना चाहते हैं, वे इस वीडियो को अंत तक देखें। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार दरोगा की वैकेंसी किन छात्रों के लिए होती है, अर्थात उनकी योग्यता और उम्र क्या होनी चाहिए, साथ ही बिहार दरोगा परीक्षा का सिलेबस क्या है, इनकी परीक्षा कितने चरणों में होती है और कितने अंक के सवाल किस सब्जेक्ट से होते हैं, अर्थात बिहार दरोगा एग्जाम की पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को क्लिक करें, ताकि बिहार दरोगा और BPSC एग्जाम की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। BPSSC बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन अर्थात बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने 2213 सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट पदों के लिए रोजगार सूचना प्रकाशित किया है, जिसमें सब इंस्पेक्टर पुलिस अवर निरीक्षक यानी दरोगा के लिए 1998 पोस्ट और सर्जेंट प्रारक्ष अवर निरीक्षक के लिए 215 पोस्ट के लिए आवेदन किया जाएगा। अगर आप इन पोस्ट को डिटेल में कैटेगरीज वाइज जानना चाहते हैं तो नीचे मैंने आपको दे दिया है, आप इसे देखकर समझ सकते हैं। अब बात आती है कि इस परीक्षा के लिए कौन व्यक्ति आवेदन दे सकते हैं, अर्थात उनकी योग्यता और उम्र क्या होनी चाहिए। अगर बात हम पहले योग्यता की करें तो 1 अगस्त 2020 तक या इसके पहले आपको एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना आवश्यक है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब बात अगर हम आयु सीमा की करें तो उसकी आयु 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए, यानी जो 10th में आपकी आयु दी हुई है वही मान्य होगा। आपके मान्य जन्मतिथि से लेकर 1 जनवरी 2020 तक आपकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु जनरल और EWS के लिए 37 वर्ष तक हो सकती है। BC और EBC और किसी भी महिला वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष तक हो सकती है। वहीं SC और ST के पुरुष और महिला वर्ग के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष तक हो सकती है। अगर कोई बिहार राज्य का निवासी नहीं है अर्थात दूसरे राज्य का है तो उसे सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के रूप में चयन करना होगा। तो अभी आपने आवेदक की क्या योग्यता और क्या आयु होनी चाहिए इसके बारे में जाना है। अब बात फिजिकल एलिजिबिलिटी अर्थात शारीरिक पात्रता की करते हैं। शारीरिक पात्रता के लिए 6 मापदंड प्रमुख हैं, जिनमें आवेदक की हाइट जनरल और OBC के मेल कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर और EBC, SC और ST के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं महिला के किसी भी कैटेगरी के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। दूसरा मापदंड है चेस्ट, जहां जनरल और OBC कैटेगरी के सामान्य में 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं SC ST के लिए सामान्य में 79 सेंटीमीटर तथा फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। तीसरा मापदंड है रनिंग या दौड़, पुरुष वर्ग में किसी भी कैटेगरी के लिए 16 मीटर की दूरी उन्हें 6 मिनट 30 सेकंड में तय करना होगा तथा महिला वर्ग के किसी भी कैटेगरी के लिए 1 किलोमीटर की दूरी उन्हें 6
100 मिनट में तय करना होगा। चौथा मापदंड है हाई जंप, जो पुरुष वर्ग के लिए 4 फीट तथा महिला वर्ग के लिए 3 फीट होता है। वहीं पांचवा मापदंड है लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप, जो पुरुष वर्ग के लिए 12 फीट और महिला वर्ग के लिए 9 फीट कूदना होता है। इसका छठा मापदंड होता है गोला फेंक, जिसके लिए पुरुष वर्ग के लिए 16 पाउंड अर्थात लगभग 7.5 केजी का एक लोहे का गोला 16 फीट दूरी तक फेंकना होता है। वहीं महिला वर्ग को 12 पाउंड लगभग 5.5 केजी का गोला 10 फीट की दूरी तक फेंकना होता है। तो इन 6 मापदंडों पर शारीरिक पात्रता आधारित होती है। तो आवेदक को आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता जो स्नातक तक है और न्यूनतम आयु जो 20 वर्ष और अपनी ऊंचाई यानी हाइट का आकलन करने के बाद ही आवेदन करना चाहिए। अब फॉर्म भरने के बाद बात आती है एग्ज़ाम सिलेबस और चयन प्रक्रिया की। बिहार SI और सर्जेंट के पद के लिए एक ही तरह की परीक्षा संपन्न होती है, क्योंकि दोनों पोस्ट के लिए एक ही आवेदन किया जाता है, अर्थात दोनों पोस्ट के लिए एक ही सवाल होते हैं। बिहार SI और सर्जेंट पद के लिए चयन प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और शारीरिक दक्षता होता है। प्रारंभिक परीक्षा में एक ही पेपर 100 क्वेश्चन का होता है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होता है, अर्थात कुल 200 अंक का परीक्षा होता है। अगर हम टाइम की बात करें तो इस परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। साथ ही इस परीक्षा में GS और करेंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं। रिजल्ट पोस्ट का 20 गुना निकाला जाता है। अगर हम प्रीवियस ईयर 2019 के रिजल्ट की चर्चा करें तो लगभग जनरल कैटेगरी में मेल में 132.20 पर रिजल्ट हुआ था। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होते हैं, अर्थात ऑप्शन पर आधारित होते हैं। मुख्य परीक्षा में सबसे पहले एक क्वालिफाइंग पेपर हिंदी की परीक्षा पड़ती है, जिसमें एक क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग ये 200 मार्क्स के परीक्षा होते हैं, जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें आपको 30% मार्क्स लाकर क्वालिफाई करना अनिवार्य है। क्वालिफाई नहीं करने पर GS परीक्षा में आपको उपस्थिति नहीं दी जाएगी। अब हिंदी परीक्षा पास करने के बाद सामान्य अध्ययन के लिए बुलाया जाता है। मुख्य परीक्षा का यह दूसरा कड़ी है। सामान्य अध्ययन में एक ही पेपर 100 क्वेश्चन का होता है, जिसमें प्रत्येक सवाल के लिए 2 अंक निर्धारित होता है और कुल परीक्षा 200 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपको टाइम 2 घंटे का मिलता है और रिजल्ट पोस्ट का 6 गुना निकाला जाता है। इन परीक्षाओं में मेंस और प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव अंक 0.2 अंक का प्रावधान है, अर्थात 5 पर एक गलती कटने का निर्धारण है। अब अगर हम मेरिट की बात करें तो मुख्य परीक्षा के आधार पर ही मेरिट तैयार की जाएगी, यानी प्रारंभिक परीक्षा और हिंदी की परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। मुख्य परीक्षा पास करने के बाद शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाता है। शारीरिक दक्षता के बारे में मैं पीछे बता चुका हूँ कि क्या क्या योग्यताएँ आपको शारीरिक दक्षता के लिए चाहिए। अब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में किस सब्जेक्ट से कितने सवाल होते हैं, कौन से सब्जेक्ट को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना चाहिए, अर्थात क्वेश्चन पैटर्न तथा सिलेबस को समझेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का आकलन अवश्य करना चाहिए,
क्योंकि हमारी तैयारी की रणनीति में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं आपको 2018 और 2019 के प्रश्नों का विश्लेषण करके बता रहा हूँ कि कौन कौन सब्जेक्ट से और कितने सवाल पिछले दो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथ ही 2018 के मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्ज़ाम के प्रश्नों का भी आकलन करके बता रहा हूँ। 2019 का मुख्य परीक्षा अभी तक संपन्न नहीं हुआ है, होना बाकी है, इसलिए मैं आपको 2018 और 2019 के प्रीलिम्स परीक्षा के साथ सिर्फ 2018 के ही मेंस परीक्षा का विश्लेषण दे सकता हूँ। तो आइए आगे जानते हैं। बिहार दरोगा एग्ज़ाम में मुख्यतः 9 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें करेंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, मैथ, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल और मिसलिनियस के सवाल होते हैं। 2019 प्रीलिम्स परीक्षा में करेंट अफेयर्स से 28 क्वेश्चन, साइंस से 18, हिस्ट्री से 14, ज्योग्राफी से 13, पोल साइंस से 11, मैथ से 5 और इकोनॉमिक्स से 4, बिहार स्पेशल से 2 और मिसलिनियस से 5 सवाल पूछे गए थे। वहीं 2018 प्रीलिम्स परीक्षा में करेंट अफेयर्स से 24, साइंस से 15, हिस्ट्री से 18, ज्योग्राफी से 16, पोल साइंस से 11, मैथ से सवाल नहीं पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स से 10, बिहार स्पेशल से सवाल नहीं थे और मिसलिनियस से 6 सवाल पूछे गए थे। प्रीलिम्स परीक्षा 2018 का रिजल्ट लगभग 105 नंबर पर हो गया था, लेकिन 2019 में इसका रिजल्ट 132.20 तक चला गया था। तो हमें प्रीलिम्स परीक्षा में लगभग 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम जनरल कैटेगरी में सेफ रह सकते हैं। 2018 जो मेंस परीक्षा हुआ उसमें करेंट अफेयर से सवाल नहीं पूछे गए थे, तो इस बात से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि मेंस परीक्षा में करेंट अफेयर्स के सवाल कम होते हैं और प्रीलिम्स परीक्षा में ही करेंट अफेयर्स के सवाल ज़्यादा दिए जाते हैं। 2018 के मेंस परीक्षा में जहां करेंट अफेयर्स से 1 सवाल, साइंस से 24, हिस्ट्री से 16, ज्योग्राफी से 12, पोल साइंस से 15, मैथ से 20, इकोनॉमिक्स से 9 और बिहार स्पेशल के सवाल नहीं थे और मिसलिनियस से 3 सवाल पूछे गए थे। तो हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी लेकर चलनी चाहिए, क्योंकि दोनों परीक्षा लगभग समान होता है, सिर्फ मेंस में मैथ के क्वेश्चन 20 कर दिए गए हैं और मेंस के जो कट ऑफ होते हैं वो भी लगभग प्रीलिम्स से थोड़ा ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें मेंस एग्ज़ाम के लिए लगभग 70 से 74 क्वेश्चन की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो आज के वीडियो में आपने आवेदन करने से लेकर योग्यता, उम्र सीमा, शारीरिक दक्षता और प्रीलिम्स तथा मेंस के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप बिना समय बर्बाद किए इस परीक्षा की तैयारी पर लग जाएं, ताकि इस बार दरोगा बनने का सपना पूरा हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार दरोगा और BPSC एग्ज़ाम की सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आपकी तैयारी में मेरे वीडियो का योगदान हो। तो हम अब अगले वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।